नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग मार्केटिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, और देखिए इसके पहले भी जो है हमने आपका क्वेश्चन सीरीज जिसका करा दिया है आपका प्रीवियस ईयर का, तो आप लोग उसको देख सकते हो। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, आपके जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के जो PDFs है आपके, जैसे कि आपका हिस्ट्री ऑफ रेलवे का आपका हो गया, इसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का हो गया, जनरल साइंस का हो गया, और साथ में जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का है, तो इन सभी का जो है हमने डिटेल में थ्योरी भी बनाया हुआ है, और साथ में इसका PDF भी हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग जो है इनसे अपना तैयारी कर सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन सभी PDF का। तो ये जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपका एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोग जो है लास्ट मोमेंट में इन सारे PDFs अपना रिवीजन कर सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड हमने इसको बनाया हुआ है, तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इन डिजिटल मार्केटिंग द एक्रोनिम CTM स्टैंड्स फॉर। तो देखिए जो डिजिटल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, डिजिटल मार्केटिंग आपका वो रहता है कि जिसमें कि मार्केटिंग जो की जाती है, तो वो आपका जैसे कोई डिजिटली माध्यम से हम लोग करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से आपका हो गया, या इसके अलावा जो सोशल साइट्स आपके हो गए, या और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि मार्केटिंग की जाती है, और उसके थ्रू जो है प्रोडक्ट के बारे में अपना अवेयरनेस फैलाते हैं कोई भी फॉर्म से है। तो इस केस में देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म आपका रहता है CTR का। आप जो जो ऐड आप देखते होंगे यूट्यूब पे, या फिर आप कहीं भी आप देखते होंगे ऐड, आप जो कोई सर्च करते होंगे, तो वहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं किसी साइट को, तो वो उसको आप जब क्लिक करते हो तो उससे एक रेशियो बनता है इनका, जो कि ये है आपका दैट इज क्लिक थ्रू रेट है। तो क्लिक थ्रू रेट यहाँ पे देखिए CTR का इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर। बट आपको देखिए CTR के बारे में भी यहाँ पे जानना होगा इसका, और इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया भी था जब हमने आपको इसका क्लास कराया था वहाँ पे। तो देखिए जो डिजिटल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसमें बेसिकली इंटरनेट का, और साथ में जो मोबाइल डिवाइसेस, और साथ में जो सर्च इंजन या फिर जो सोशल मीडिया आपके जो साइट्स होते हैं, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप भी हो सकता है, इसके अलावा आपका यूट्यूब भी हो गया, तो उनके माध्यम से जो आप देखते हैं ऐड देखते हैं, मतलब मार्केटिंग जो की जाती है इन सारे माध्यम से, तो ये होता है आपका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में आपका आ जाएगा। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म आपका रहता है दैट इज CTR का, यानी कि क्लिक थ्रू रेट का। तो ये जो है इसके थ्रू पता लगता है यहाँ पे कि जैसे यूजर जो है कोई भी स्पेसिफिक लिंक पे जब वो क्लिक करते हैं वहाँ पे, और उसके साथ में वो जो है अपना उसी से अपना रिव्यू जनरेट करते हैं कि हाँ ये जो ऐड हमने किया था तो इसका कितना पहुंच बना लोगों के बीच में, तो ये एक रिव्यू से ये आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली यहाँ पे। तो इसका देखिए एक फॉर्मूला रहता है यहाँ पर, यानी कि जो CTR है आपका, तो ये नंबर ऑफ क्लिक थ्रू यानी कि कितना क्लिक जो हुआ उसके ऊपर में, और टोटल इंप्रेशन अपॉन में नंबर ऑफ इंप्रेशन होता है, और इनटू 1 टू 100% इसका हो गया। तो इसके थ्रू वो CTR अपना जो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो कॉमनली देखिए एक मेजर होता है जिससे कि जब भी कोई ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की जाती है कोई भी कंपनी के या फिर कोई फॉर्म्स के द्वारा, तो उससे जो है अपना उस एडवर्टाइजमेंट का वो सक्सेस रेशियो अपना देखते हैं कितना वो सक्सेस किया। अगर ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट आएगा तो उससे अपना देख सकते हैं कि हाँ इसके ऊपर में ज़्यादा क्लिक हुआ, मतलब ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था कि डैश रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन देयर रियल और द परसिव्ड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए ये बताया जा रहा है इसमें आपका कि ये जो है प्रैक्टिस किया जा रहा है, इस तरीके से एडवर्टीजमेंट को किया जा रहा है प्रोडक्ट्स का, जो कि उनका जो है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है, मतलब कि इन्वायरमेंट के लिए वो जो है सस्टेन कर सकते हैं, मतलब वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक तरीके से। तो इस तरह के जो प्रैक्टिसिंग की जाती है एडवर्टीजमेंट करने का प्रोडक्ट्स का, तो इसको जो है किस टाइप का मार्केटिंग कहा जाता है। तो ये देखिए आपका होगा दैट इज ग्रीन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट के अंदर में आपका आएगा। तो इसका देखिए ऑप्शन C जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपका सोशल मार्केटिंग है, गोरिल्ला मार्केटिंग है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, तो जो डिफरेंट जो मार्केटिंग के टाइप जो होते हैं, तो ये हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ होगा लेक्चर्स में। तो यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आपका ओवरव्यू में। तो देखिए जो मार्केटिंग आपका होता है, तो उसमें जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का रहता ही है कि प्रोडक्ट का अवेयरनेस फैलाना लोगों के बीच में। कोई भी फॉर्म से कंपनी चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है उसकी अवेयरनेस फैले लोगों के बीच में, तो मार्केटिंग डिफरेंट तरीके से किया जा सकते हैं। एक आपका होता है डायरेक्ट मार्केटिंग, तो इसके अंदर में डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर में जो है मार्केटिंग, इसमें देखिए इस तरीके से किया जाता है, मतलब कि जो इंडिविजुअल जो कस्टमर्स है या फिर जो कंज्यूमर्स है, तो उनको जो है डायरेक्टली वो यूजर को कंपनीज होते हैं वो कराते हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी जैसे कोई मास मीडिया हो गया, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है इसके लिए।
तो इस तरह के जब भी कोई मार्केटिंग की जाएगी कंपनियों के द्वारा, तो वो होता है आपका डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर में। इसमें मिडिल मैन को एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ईमेल है, तो डायरेक्ट कोई अगर मान लीजिए जो मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स है वो आपको सीधे मेल भेज देते हैं कि ये मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आप इसका जो है रिव्यू देख सकते हो। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग का आपका जो है एक एग्जाम्पल हो गया। उसी तरीके से ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट भी आप जो देखते हो यहाँ पे, इसके अलावा और भी आप देख सकते हो यहाँ पे जो न्यूज़पेपर में आप जो देखते हो, तो ये क्या हो तरीके से डायरेक्टली जो है आपके पास आ रही है। और इसके बाद दूसरा आपका है इसमें इनडायरेक्ट मार्केटिंग का। तो देखिए इनडायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर में, तो इसमें जो है यहाँ पे क्या होगा, एक थर्ड पार्टी कोई मतलब इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पे। मतलब ये जो है एक मास मीडिया को टारगेट करने के लिए ये चीज़ किया जाता है। यहाँ पे एक एक पर्सन को, इंडिविजुअल पर्सन को इसमें जो है नहीं किया जाता है। मतलब ये एक मास लेवल पे मार्केटिंग की जाती है जिसमें कि इंडिविजुअल को टारगेट नहीं किया जाता है इसके अंदर में। तो इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि कोई वेबसाइट ब्लॉग है जहाँ पे लिखा जाता है, पोस्ट लिखा जाता है, तो यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, वहाँ पे बहुत से लोग उसको देख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है आपका इनडायरेक्ट मार्केटिंग का। और वहीं पे दूसरा आपका है वायरल मार्केटिंग। तो देखिए वायरल मार्केटिंग के अंदर में, इसमें जो है इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड करती है तो वो जो है पर्सन टू पर्सन करती है बाय वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। यानी कि इसमें कोई भी पर्सन है वो ही पर्सन कोई दूसरे पर्सन को वो करेगा। यानी कि वायरल किस तरीके से होता है, आप शेयर करते हो किसी को, तो इस तरीके से जब भी मार्केटिंग होती है लोगों के द्वारा, वो देखते हैं अपना मुंह से बोलते हैं, मे बी उसमें इंटरनेट या मेल के थ्रू वो कर दे, शेयर कर दे, तो इस तरह के जो मार्केटिंग है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग वायरल मार्केटिंग। और ये जो है काफ़ी तेजी से फैलने वाला टाइप का एक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट रहता है, स्ट्रेटेजी के अंदर में आता है। फिर अगला देखिए जो गोरिल्ला मार्केटिंग है। तो देखिए जो गोरिल्ला मार्केटिंग है, तो ये एक तरीके से एक सरप्राइज तरीके से कोई मार्केटिंग की जाती है, तो वो आपका एक एग्जाम्पल है, या फिर ये एक अनकन्वेंशनल टाइप का ही बेसिकली एग्जाम्पल आपका। जैसे आप कहीं पे भी आप देखते हो, आप रोड पे चले जाओ या फिर आप कहीं पे आप देखते हो कि कोई बैनर टंगा हुआ रहता है, अचानक से आप जहाँ कहीं भी ऐड आप देखते हो, तो ये क्या होगा एक तरीके से आपका इनडायरेक्ट, मतलब ये जो है आपका एक गुरिल्ला टाइप का मार्केटिंग है। तो बेसिकली जहाँ पे भी आपको सरप्राइज किया जाता है किसी भी तरीके से, तो ये हो गया आपका गोरिल्ला मार्केटिंग के अंदर में आ जाएगा। जैसे कोई पब्लिसिटी स्टंट करता है या फिर कोई वायरल वीडियो रहता है तो उसके अंदर में अपना जो है ऐड लगा देते हैं, तो इस तरीके का जब भी आपका रहता है तो ये आपका गोरिल्ला मार्केटिंग के अंदर में आता है। और यहीं पे देखिए सोशल मार्केटिंग जो है आपका, तो सोशल मार्केटिंग के अंदर में, तो ये देखिए जैसे कोई सोशल मैसेज कोई अगर देना रहता है लोगों का भलाई के लिए, एक्चुअली इसमें प्रॉफिट में नहीं देखा जाता है, इसमें जो है लोगों का हित देखा जाता है यहाँ पर। तो सोशल मार्केटिंग के अंदर में आप इस तरीके से इसको सोच सकते हो, जैसे कि कोई पब्लिक एरिया रहता है तो वहाँ पे आप देखते होगे कि लिखा हुआ रहता है कि आप स्मोक यहाँ पे ना करें, तो ये क्या हो गया एक तरीके से वहाँ पे प्रोहिबिशन के बारे में बात कही जा रही है। और इसके साथ में जैसे कि अगर आपका सेफ्टी के लिए बोला जाता है कि आप सीट बेल्ट जो है अपना बांध के चलो जब भी आप ड्राइविंग करते हो, तो ये क्या हो गया आपका एक तरीके से सोशल मार्केटिंग हो गया। फिर उसके बाद ग्रीन मार्केटिंग है। तो देखिए ग्रीन मार्केटिंग का सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है कि ऐसा मार्केटिंग करना है, ऐसे प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है जो इन्वायरमेंटल के लिए फ्रेंडली हो, यानी कि वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो, तो ये जो रहता है आपका ग्रीन मार्केटिंग के अंदर में आ जाएगा। तो आप लोग जो है इसका डिटेल में और देख सकते हो, हमने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है आपको। और डिजिटल मार्केटिंग में हमने आपको बता ही दिया कि इसमें जो है इंटरनेट के, मोबाइल डिवाइसेस या सोशल मीडिया का यूज़ करके, या फिर और कोई चैनल आपके हो सकते हैं जो कंज्यूमर पे पहुंचते हैं, तो ये होता है आपका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में आपका आ जाएगा। और एक देखिए आपका नीचे मार्केटिंग है। तो देखिए जो आपका जो नीच मार्केटिंग जो सिस्टम आपका है, तो ये एक तरीके का एक यूनिक, ये भी एक टारगेट मार्केट को फोकस करने के लिए ही किया जाता है। तो इसमें बेसिकली देखिए यहाँ पे ये रहता है कि इसमें बहुत से लोगों को फोकस ना करते हुए केवल उन्हीं को ही फोकस किया जाता है कि जिससे कि बेनिफिट उनको मिले और कंपनी को ही बेनिफिट मिले। वो जानते हैं कि पर्टिकुलरली मेरे को इस ग्रुप से या फिर इस पर्सन से ही या इस कंज्यूमर से ही मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है, तो सिर्फ वो उसी को यहाँ पे टारगेट करेंगे बजाय कि सारे लोगों को। तो इस तरीके का जो मार्केटिंग करते हैं यहाँ पे स्पेशली फोकस करते हुए यूनिक यूनिक लोगों के लिए ही, तो इस तरह के जो मार्केटिंग उसको बोलते हैं हम लोग निक मार्केटिंग बोलेंगे। तो ये जो है आप लोग इसको ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था यहाँ पर कि वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑल्सो मीन्स अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल विच इज स्टोर्ड इन द यूजर्स कंप्यूटर फॉर रिकॉग्निशन ऑफ यूजर प्रेफरेंसेस, आइडेंटिफाई द टर्म। तो आपको उस टर्म को आइडेंटिफाई करना है जिसमें कि देखिए ये क्या रहता है यहाँ पर, यही उसमें पूछा जा रहा है आपका कि एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल रहता है जो कि यूजर के जो भी उसके प्रेफरेंसेस रहते हैं, आप कोई भी आप सर्च करते हो इंटरनेट के ऊपर में, तो आपका जो प्रेफरेंसेस जो रहते हैं ना, तो वो जो है कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में आपका जो है जो ब्राउजर रहता है, तो वो आपका प्रेफरेंसेस को
वो सेव करके रख लेता है। तो जब भी आप दोबारा अगर आप कोई वही चीज़ को सेम आप सर्च करते हो तो वो देखती है आपका वो जो है तुरंत ओपन हो जाता है। तो ये जो है आपका एक एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल के अंदर में आपका वो जो है स्टोर्ड रहता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कुकी बोलते हैं हम लोग। तो इसके अंदर में ही ये सारे जो प्रेफरेंसेस आपके रहते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करके स्टोर करके रखा रहता है आपका। तो इस तरीके से ऑप्शन 3 आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इन द सोशल मीडिया स्पेस विच ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन द डिसेमिनेशन ऑफ इमेजेस एंड द स्मॉल GIF, यानी कि ये एक स्मॉल जो ग्राफिकल जो इंटरचेंज फॉर्मेट जो पिक्चर आपका जो रहता है तो उन सबसे रिलेटेड कौन सा एक साइट है। तो ये आपको इसमें पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए दिया आपका पिंटरेस्ट, ट्विटर, टम्बलर और फेसबुक। तो देखिए इसका राइट आंसर पिंटरेस्ट आपका आ जाएगा। तो पिंटरेस्ट जो है तो ये एक अमेरिकन इमेज शेयरिंग और सोशल मीडिया सर्विसेस है, मतलब जो आपका ये बेसिकली इमेज से रिलेटेड ये एक सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए जो ट्विटर है आपका, फेसबुक है, टम्बलर है, तो ये जो है सोशल नेटवर्किंग साइट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि डैश और डैश रिप्रेजेंट्स अ चेन ऑफ बिजनेस और द इंटरमीडिएटरीज थ्रू विच द फाइनल बायर परचेज गुड्स और सर्विसेज। तो ये इसमें क्वेश्चन आपको ये पूछा गया कि वो कौन सा रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि जो देखिए क्या होता है कि जो बिजनेस का जो चेन रहता है उनका या फिर जो इंटरमीडिएटरी जो रहते हैं तो वो जो है फाइनल बायर पे पहुंचते हैं परचेज करने के लिए जो भी गुड्स या सर्विसेज रहते हैं। तो ये जो है किसके माध्यम से पहुंचते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है आपका, तो ये जो है एक बिजनेस का एक चेन रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, और या फिर कोई इंटरमीडिएटरी जो बीच में होते हैं जिसके थ्रू जो फाइनल बायर है कोई भी गुड्स या सर्विसेज को परचेज करता है। तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन C आपका हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होते हैं तो ये वो सारे हो जाते हैं मतलब कि जिसके थ्रू मे भी आपका हो सकता है एक होलसेलर हो, रिटेलर हो बीच के अंदर में। तो इन सबको देखिए वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर आपका ये आता है। तो देखिए कोई भी आपका जैसे गुड्स और सर्विसेस रहता है तो वो जो है कोई एक उसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जरूरत होती है जिसके थ्रू मान लीजिए कि फाइनल गुड्स और सर्विसेस है तो वो कंज्यूमर के पास पहुंच सके। तो यहाँ पे देखिए जो चैनल जो हो सकते हैं तो वो बहुत तरीके से हो सकते हैं उसके। अब यहाँ पे मेनली जो है आपका प्रोड्यूसर है, उसके बाद होलसेलर और रिटेलर है, और साथ में जो एंड और बाय और जो कंज्यूमर है। तो इनका यहाँ पर प्रोडक्शन का मतलब जो ही प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को। तो कंज्यूमर को पहुँचने के लिए डिफरेंट तरीके के यहाँ पे हो सकते हैं, बीच में आपका होलसेलर हो सकते हैं, रिटेलर आपका हो सकते हैं, या फिर बीच में आपका जैसे रिटेलर हो सकते हैं होलसेलर को एलिमिनेट कर दिया जाए यहाँ पे, तो या तो हो सकता है कि प्रोड्यूसर से सीधे कंज्यूमर पर आ जाए। लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है आपका। तो इसमें मेनली जो है इंपॉर्टेंट है आपका दैट इज वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। तो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम जो है तो एक टाइप का एक कॉपरेशन होता है बिटवीन जो मेंबर होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर में। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर में देखिए इसमें आपके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे प्रोड्यूसर आपके रहेंगे ही, होलसेलर रहेंगे और रिटेलर आपके रहेंगे, जो कि आपस में कोलाबरेट करते हैं कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट को डिलीवरी करने के लिए। तो कस्टमर का जो प्रोडक्ट जो रहता है यानी कि जो मैन्युफैक्चरर्स का जो प्रोडक्ट है तो उनको डिलीवरी करने के लिए जो है इसके अंदर में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होते हैं। तो यहाँ पे मेनली देखिए 3 टाइप्स ऑफ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर में जो आपका रहता है, इसमें मेनली आपको इन्हीं तीनों का जो है इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, जिसमें कि आपका पहला है कॉरपोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, दूसरा आपका है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, और तीसरा आपका है एडमिनिस्ट्रेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। तो इन तीनों के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया भी था, यहाँ पे हम लोग जो है शॉर्ट में एक देख लेते हैं। तो देखिए जो कॉरपोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है तो कॉर्पोरेट मार्केटिंग जो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम जो आएगा इसमें देखिए इसमें एक सक्सेसिव स्टेजेस होते हैं प्रोडक्शन का, यानी कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है आपका प्रोडक्शन और गुड्स का तो उसके अंदर में जितने भी चीज़ होंगे तो एक सिंगल ओनरशिप को द्वारा किया जाएगा। मतलब कि इसमें क्या है कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कोई भी गुड्स और सर्विसेज का तो उनको अगर पहुंचाना है कस्टमर के पास में तो इसमें जो भी अगर होगा यहाँ पे मतलब जो भी चीज़ होंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होंगे तो वो जो है एक सिंगल ओनरशिप के द्वारा वो कंट्रोल किया जाएगा। तो इस तरीके का जब भी आपका होगा मतलब जो रहेगा आपका सिस्टम जो रहेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉरपोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। इसमें जो है कोई और अदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, किसी को फ्रेंचाइजी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि एक सिंगल ओनरशिप के अंदर में सब कुछ कंट्रोल किया जाएगा। तो इसमें देखिए इसका बेनिफिशियल ये रहता है कि इसमें जो प्रॉफिट जो रहता है तो ये शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट जो और भी बीच में जो इन्वॉल्वमेंट रहती है उनकी, क्योंकि इसमें क्या है सिर्फ एक सिंगल ओनरशिप यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसमें जो भी बेनिफिट मिलेगा तो वो सिर्फ जो है एक ही जो प्रोड्यूसर है उसी को सिर्फ यहाँ पे मिलेगा,
और इसके ऊपर में जैसे डिस्ट्रीब्यूशन अगर किया जाता है तो उसके ऊपर में कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर में पूरा कंट्रोल है। तो ये आपका रहता है दैट इज कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर में। लेकिन देखिए जो कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम जो है उनके लिए कॉस्टली भी हो सकता है, क्योंकि उनको सारे चीज ऑपरेट करने होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपना ही ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा सारा कुछ जो है अपने ही मैनेजमेंट करना होगा उनको। और इससे क्या होगा कि उनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो ये भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह का जो है थोड़ा बहुत मे भी अगर रहे तो प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखा जाए, अगर मान लीजिए कि दूर दूर तक भी अगर प्रोडक्ट को पहुंचाना होगा या फिर और भी लंबे समय तक विस्तार करके रखना होगा, तो उसके लिए जो है इनको और कहीं अदर पे स्विच करना होगा। तो जो कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट रहता है आपका दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम का। तो इसमें बेसिकली इसमें बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन जो रहते हैं, मतलब चैनल जो रहेंगे, जो पर्सन्स रहेंगे या फिर और भी कोई अदर फॉर्म्स हो सकते हैं, जो आपस में यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, एक एग्रीमेंट में आते हैं, और इसके बाद जो है अपना वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो काम कर सकते हैं। जैसे कोई अगर मान लीजिए फ्रेंचाइजी ले लेता है कि आप प्रोड्यूस करो, हम यहाँ पे आपका ब्रांच खोल देंगे और इसके थ्रू आपका जो गुड्स और सर्विसेज है उसका हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इसमें मेनली जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में आते हैं, इसमें फ्रेंचाइजी ले सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे एग्जाम्पल आपका है मैकडोनल्ड्स का, जोमेटो का आपका हो गया। तो इसमें कोई एक सिंगल ओनरशिप नहीं होता है किसी का भी, इसमें जो है मल्टीपल ओनरशिप होते हैं। और वहीं पे देखिए जो एडमिनिस्टर्ड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम जो है आपका, तो इसके अंदर में देखिए इसमें जो है आपका ओनरशिप जो रहेगा तो एक पर्सन के रहेंगे यहाँ पर, लेकिन उसके मेंबर्स बहुत सारे रहते हैं, मतलब कि उसी से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन जो डिसीजन जो लिया जाएगा फाइनली तो वो जो है मतलब कि जो पेरेंट जो कंपनी है, तो सिर्फ उसी के द्वारा ही मेन जो इम्पोर्टेंट डिसीजन वो लिए जाते हैं इसके अंदर में। हालांकि बीच में और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहेंगे इसके अंदर में। तो इस तरह के आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ऑनरशिप तो यहाँ पे केवल एक का रहेगा, एक पार्टीज का रहेगा, लेकिन इसमें बहुत सारे सक्सेसिव स्टेजेस रहते हैं। अब हो सकता है कि वो कोई और कंपनी हो जो उसी का प्रोडक्शन कर रहा होगा, लेकिन उससे अपना लेके ही निर्णय लेके ही कर रहा होगा, उसी के गाइडलाइंस पे ही फॉलो करेगा जो पेरेंट कंपनी हो उसका। इसका एग्जांपल आप वॉलमार्ट का आप ले सकते हो। तो कुछ इस तरीके से है, आपको समझना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देखिए पूछा गया था इसी तरीके से कि द थ्री मेजर टाइप ऑफ द वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम्स आर एडमिनिस्टर्ड, कॉन्ट्रेक्चुअल एंड डैश। तो थर्ड वाला कौन सा आपका हो जाएगा? तो आपने देखा था कॉन्ट्रेक्चुअल तो आपका है ही, एडमिनिस्टर्ड भी, और एक आपका होता है कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। तो इसका देखिए ऑप्शन थ्री द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पे देखिए क्वेश्चन आपका था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका रहता है तो यही रिप्रेजेंट करता है आपका, जैसे मान लीजिए कोई भी गुड्स और सर्विसेज है वो अगर फाइनल बायर के पास पहुंचना चाहिए तो बीच में जो इंटरमीडिएटरी जो होता है तो उसको बोलाता है, वो रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। तो सी इसका देखिए राइट आंसर होगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अगर आप लोग इसको समझोगे तो ये आपको उसका आंसर ही दिया हुआ है। तो ये देखिए जो आंसर आपका दिया हुआ है बेसिकली ये एडमिनिस्टर्ड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम का है। तो इसमें यही दिया हुआ है कि व्हेन द चैनल मेंबर्स एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन और मोर ऑफ द मार्केटिंग फ्लोज ओवर एटलीस्ट टू सेपरेट लेवल्स। तो इसमें टू सेपरेट लेवल्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग का भी वो कर सकते हैं यहाँ पे और होलसेलिंग का भी वो कर सकते हैं। इनफैक्ट ये ऐसे जो सिस्टम्स रहते हैं तो ये जो है आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन का दोनों का ये सिनोनिम्स होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज एडमिनिस्टर्ड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी देखिए इसका आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि इंडिपेंडेंट फॉर्म्स एट डिफरेंट चैनल लेवल्स इंटीग्रेट देयर प्रोग्राम्स ऑन ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस टू अचीव द सिस्टमैटिक इकोनॉमिक्स एंड इंक्रीज द मार्केट इम्पैक्ट आर नोन एज। तो इसमें देखिए यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है जो इंडिपेंडेंट जो फॉर्म्स जो रहते हैं डिफरेंट चैनल लेवल्स पे वो आपस में इंटीग्रेट करते हैं अपने प्रोग्राम्स को, और वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, जिससे कि है वो जो है अपना जो इकोनॉमी जो रहता है और साथ में जो मार्केट इम्पैक्ट है तो वो अपना इंक्रीज करते हैं। तो जब भी इस तरीके का जो करते हैं एक तरीके से सहमति जब जताते हैं आपस में तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा टाइप ऑफ मार्केटिंग सिस्टम। तो इसमें देखिए नाम ही आपका दिया हुआ कॉन्ट्रेक्चुअल, कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आते हैं, तो ये आपका क्या होगा कॉन्ट्रेक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि द बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग चैनल्स आर, जो मार्केटिंग चैनल जो होता है तो उसकी बेनिफिट क्या होती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कॉस्ट सेविंग, टाइम सेविंग, फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए
जब भी मार्केटिंग चैनल होता है तो इनका ये सारे बेनिफिट होते हैं। कॉस्ट में भी सेविंग होती है और इसके साथ में टाइम में भी सेविंग होती है, और साथ में जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी मिलती है। तो इसलिए क्या होगा आपका राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव इसका हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका देखिए राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे। क्योंकि देखिए जब भी मार्केटिंग चैनल्स में जब बहुत सारे मेंबर जब इंक्लूडेड हो जाते हैं तो इससे क्या होता है कि कॉस्ट में भी सेविंग होगा उनका, और इसके साथ में टाइम में भी सेविंग होगा, और इसके साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारे चीज़ आपके हो सकते हैं। तो आप लोग अगर थ्योरी क्लियर रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए इजिली कर सकते हो, और ये जो टॉपिक है उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना आप लोग सोचते होगे। बस आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना तो कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो आप लोग इजिली कर लोगे उसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि टेस्टिंग बिफोर लॉन्चिंग ए प्रोडक्ट इज नोन एज। तो देखिए कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है, तो इस तरह के जो एक्टिविटी होते हैं इसको क्या बोला जाता है। तो इसको देखिए बोलते हैं हम लोग टेस्ट मार्केटिंग। तो टेस्ट मार्केटिंग आपका ये कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू कोई भी प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करने से पहले जो फर्म्स जो होते हैं तो उसको जो है टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है मेरा ये अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट होता है ये। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि नेम द ब्रांडिंग प्रैक्टिस वेयर इन द सेवरल रिलेटेड प्रोडक्ट्स विद द सेम ब्रांड नेम आर एडवर्टाइज यूजिंग द सेम एडवर्टीजमेंट। तो इसमें देखिए ये आपका ब्रांडिंग का जो डिफरेंट तरीके जो होते हैं तो उसमें एक उसका एक आपका पार्ट है ये कि जिसमें देखिए जो सेवरल जो रिलेटेड जो प्रोडक्ट जो होते हैं जो एक ही ब्रांड के हैं तो उनको जो है एडवर्टाइज किया जाता है एक सेम एडवर्टीजमेंट से ही। तो इस तरह के जो एडवर्टीजमेंट जो आता है तो इसको क्या बोलते हैं। तो ये देखिए आपका होता है अम्ब्रेला ब्रांडिंग का आपका ये कॉन्सेप्ट है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन वन आपका हो जाएगा। और अम्ब्रेला ब्रांडिंग के बारे में हमने आपको बताया भी था जो डिफरेंट इनफैक्ट जो ब्रांडिंग आपके होते हैं। तो जो अम्ब्रेला ब्रांडिंग है तो देखिए इसके अंदर में जो एक ही ब्रांड के जो डिफरेंट जो प्रोडक्ट जो होते हैं तो उनको जो है एक ही सेम एडवर्टीजमेंट से उनको भी एडवर्टीजमेंट कर देना। तो इसका सिंपल से एग्जाम्पल आपका देखिए हो गया कि जैसे एप्पल का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। तो एप्पल का देखिए उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे एप्पल का आईफोन हो गया, आईपैड हो गया, और जो आपके कंप्यूटर होगा ये सारे चीज़ रहते हैं। तो वो अगर मान लीजिए कोई एक चीज़ का अगर अपना वो करेगा मार्केटिंग करेगा तो उसके साथ में और भी अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी का वो कर लेता है एक ही साथ में। तो इस तरह का जब भी ब्रांडिंग की जाती है तो इसको बोलते हैं हम लोग अम्ब्रेला ब्रांडिंग। तो देखिए जो डिफरेंट जो ब्रांडिंग टेक्निक जो होते हैं तो यहाँ पे हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला देखिए आपका है इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग। तो इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग के अंदर में जो है तो ये एक देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहता है कि जिसमें कि जो कंस्टिट्यूएंट जो होती है बिजनेस का तो वो जो एक अपना एक सेपरेट एंटिटी करते हुए वो ब्रांडिंग करती है उसकी। तो इसमें देखिए कहने का मतलब ये हो गया कि जो प्रोडक्ट है अपना कोई भी खुद का कोई भी कंपनी का तो वो केवल अपना ही प्रोडक्ट का वो जो है अपना मार्केटिंग करेगा। तो ये जो रहता है मतलब अपने कंपटीटर से वो अलग हटके करेगा, यहाँ पे कोई पार्टनरशिप या कोलाबोरेशन नहीं करेगा किसी के साथ में। तो ये आपका डिफरेंट रहता है को ब्रांडिंग से। को ब्रांडिंग के अंदर में यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो को ब्रांडिंग आपका है तो को ब्रांडिंग के अंदर में जो है तो इसमें देखिए जो सेवरल जो ब्रांड जो होते हैं तो वो एक ही साथ उसका एडवर्टीजमेंट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें जो सिटी एडवांटेज जो ए एडवांटेज जो कार्ड है आपका तो इसके साथ में वो जो है ये और एडवर्टीजमेंट करते हैं अमेरिकन एयरलाइंस का, यानी कि अमेरिकन जो एयरलाइंस है तो उसके साथ में बोलते हैं कि अगर आप लोग इसका कार्ड यूज करते हो तो आपको जो है अमेरिकन एयरलाइंस का आपको जो है कुछ इसमें डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इसमें एक प्रोडक्ट का मतलब एक जो ब्रांड है दो ब्रांड का एक ही साथ में वो अपना जो है ब्रांडिंग करते हैं, यानी कि वो उनका मार्केटिंग करते हैं एक साथ में कोलाबोरेशन करते हुए। तो ये आपका को ब्रांडिंग के अंदर में आ जाएगा। और वहीं पे जो साइलेंस ब्रांडिंग है आपका तो देखिए जो साइलेंस ब्रांडिंग है तो इसमें बेसिकली यहाँ पे देखिए कोई ब्रांडिंग मतलब कोई एक तरीके से की नहीं जाती है कोई कंपनी के द्वारा या फिर कोई फिजिकली या फिर कोई लोगों को देख लोग यहाँ पे खुद देखते ही उसको नोटिस करते हैं एक्चुअली में, यानी कि इसमें बस वो टैग लगा देते हैं कहीं पे, वो कोई प्रचार नहीं करेंगे इसका, बस वो टैग लगा देते हैं या फिर कहीं पोस्टर चिपका देते हैं। तो वहाँ पे जब लोग उसको नोटिस करते हैं या थिंक करते हैं उसके बारे में सोचते हैं तो ये हो गया एक तरीके से साइलेंस ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट आपका। तो आपको जो है बस केवल यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन आपका मे बी आपको डिफरेंट तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि विच ऑफ दिस कंपनीज यूजेस द टैगलाइन थिंक डिफरेंट। तो थिंक डिफरेंट का जो टैगलाइन है तो ये कौन सा कंपनी यूज करता है। तो देखिए जो थिंक डिफरेंट टैगलाइन आपका है तो ये एप्पल का है, तो आपको जो है याद रखना है। इसके अलावा देखिए हमने आपको बहुत सारा लिस्ट दिया हुआ था जो डिफरेंट जो जो टॉप ब्रांड्स है और उनकी जो टैगलाइन है, तो आप लोग जो है इन सभी को याद कर लेना अच्छे से। हमने आपको इसका पूरा कंप्लीट लिस्ट दिया हुआ है पीडीएफ में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि आपका एडिडास है, इसका जो टैगलाइन है दैट इज नथिंग इज इम्पॉसिबल। अमेरिकन एक्सप्रेस की बात करते हैं तो इसका जो टैगलाइन आपका है
कि डोंट लिव लाइफ विदाउट इट। एप्पल का टैगलाइन आपका थिंक डिफरेंट है, और ऑडी का जो टैगलाइन है तो इसका देखिए डिफरेंट है ग्लोबल लेवल पे भी और यूएस में। तो ग्लोबल लेवल पे अगर बात किया जाए तो इसका देखिए आपका है बॉस फ्रॉम डच टेक्निक और ट्रूथ इन इंजीनियरिंग, ये यूएस के टैगलाइन है। बीएमडब्ल्यू की बात करते हैं तो इसका देखिए टैगलाइन जो है आपका दैट इज द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन। फिर इसके बाद कैनन का जो टैगलाइन है इसका है आपका है डिलाइटिंग यू ऑलवेज। कोका कोला का जो टैगलाइन है इसका है ओपन हैप्पीनेस। और कोलगेट का जो देखिए टैगलाइन है इसका है एंटीबैक्टीरियल प्रोटेक्शन फॉर ए हेल्थियर माउथ। फिर इसके बाद देखिए डिज्नीलैंड जो है आपका तो इसका जो टैगलाइन है द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ। और इसका देखिए ट्रिक भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, तो आप लोग वो वाला वीडियो इसका देख लेना। फिर इसी तरीके से आप ईबे का भी देख सकते हो, इसका आपका बाय इट सेल इट लव इट। इस तरीके से आपको और भी यहाँ पे टैगलाइन आपको मिल जाएगा, जैसे इंटेल का है तो इंटेल का जो इसका टैगलाइन है एक्सपीरियंस व्हाट्स इनसाइड। केएफसी का टारगेट इसका देखिए जो टैगलाइन आपका है कि इट्स फिंगर लिकिंग गुड। फिर इसके बाद देखिए मर्सिडीज बेंज का जो टैगलाइन है कि द बेस्ट और नथिंग। नेस्कैफे की बात करें तो इसका देखिए टैगलाइन आपका है कि इट्स ऑल स्टार्ट विथ है नेस्कैफे। फिर देखिए जो नाइक का आपका है इसका जो टैगलाइन है जस्ट डू इट। और इसके बाद दूसरा आपका मतलब है इसके अंदर में भी आपको मिल जाएगा कि स्पोर्ट चेंजेस एवरीथिंग। पेप्सी का टैगलाइन आपका है कि दैट्स व्हाट आई लाइक। ट्विटर का देखिए टैगलाइन जो है व्हाट्स हैपनिंग। यूट्यूब का जो टैगलाइन आपका है दैट इज ब्रॉडकास्ट योर सेल्फ। फोर्ड का देखिए इसका टैगलाइन है गो फर्दर। और जिलेट का टाइगर है द बेस्ट अ मैन कैन गेट। और होंडा का जो टैगलाइन है होंडा द पावर ऑफ ड्रीम्स है। तो इस तरीके से आपको और भी मिल जाएंगे, तो आप लोग जो है इनको अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन आपका जो है देखने को मिलेंगे आपको इनमें से भी जरूर आपको। तो और भी कुछ क्वेश्चन आपके पूछे गए थे इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे जैसे जस्ट डू इट है तो ये किसका टैगलाइन है, तो ये आपका नाइक का है। तो ऑप्शन ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि बिग बाजार का जो टैगलाइन है, ये जो टैगलाइन है कि बिग बाजार का टैगलाइन है तो वो क्या है, तो इसका देखिए आपका हो जाएगा कि इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं कोई नहीं मिलेगा। तो ये इसका टैगलाइन है। इसका हालांकि दो टैगलाइन है बिग बाजार का, ये अगर इंडिया की बात करें तो नए इंडिया का बाजार है, और बाकी और भी ये भी आपको मिलेगा तो आप इसको भी मार्क कर सकते हो कि इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। तो ये इसका डी आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों मार्केटिंग का जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो हमने आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट सीरीज इसका करा दिया है। ऐसे तरीके से हम आपका हिस्ट्री ऑफ रेलवे का भी बचे हुए 2-3 दिनों में आपका करा देंगे हम। तो आप लोग जो है तैयारी कीजिए, और पीडीएफ जो हमने आपको दिया हुआ है तो आप लोग उससे भी अपना रिविजन करते रहो, तो आपका जो है अच्छे से एग्जाम का तैयारी आपकी हो जाएगी। आप लोग बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहो जहाँ से भी आप लोग टेस्ट सीरीज देते रहोगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।